दोस्तों, काफी लोग कम उम्र में कार्ड पाना चाहते हैं, चाहे एक्सिस बैंक का हो, HDFC का हो, ICICI का हो या किसी बैंक का हो, कम उम्र में कार्ड पाना चाहते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे आप बनवा सकते हैं और आपकी उम्र कितना होना चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है तो कैसे आप थोड़ा से अपना दिमाग लगा कार्ड अप्रूव करवा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सिविल सही है तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कैसे बैंक का कार्ड ले सकते हैं थोड़ा से अपना दिमाग लगाकर, और सब कुछ आपको हम एकदम रियल तरीका बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं साइड में हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो स्टूडेंट हैं, 19 प्लस उनकी उम्र है और उन्हें कार्ड मिल गया। किसी को SBI का, किसी को HDFC का, किसी को जो है RBL बैंक का, अलग अलग बैंक का कार्ड मिल गया। बट एक सवाल आप लोग पूछते हो कमेंट सेक्शन में, काफ़ी लोग का सवाल आता है कि हम स्टूडेंट हैं, हमें कैसे कार्ड मिलेगा, हमारा उम्र कम है, और हम अगर स्टूडेंट नहीं हैं तो क्या कोई तरीका है। आज आपको हम बताएंगे क्या तरीका है। दोस्तों, अगर आप अमेजोन पे, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करना जैसे कि चाहते हैं इस अमेजोन पे, ICICI बैंक कार्ड को, तो जब भी आप कार्ड अप्लाई करें तो अगर आपका उम्र जो है 19 साल या 18 साल प्लस है, 18 साल से नीचे नहीं, अगर आप 18 साल प्लस हैं तो वहाँ पे हमेशा आप 2 साल अपना डेट ऑफ बर्थ आप बढ़ा के वहाँ पे ऐड करें। जब आपको सिलेक्ट करने का आता है तो आप हमेशा बढ़ाकर डालें। जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं होगा। काफ़ी इस तरीके से कार्ड अप्रूव हुआ है क्योंकि यहाँ पे बैंक तो अपने टर्म एंड कंडीशन में लिख कर दे देगा कि भैया हम 18 प्लस वालों को या 19 प्लस वालों को या 21 प्लस वालों को या 20 प्लस वालों को कार्ड देंगे। जब अप्लाई करने जाओ तो वहाँ पे कुछ और नियम दिखाते हैं। आपने कहा सुना है ना कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं और खाने कुछ और होते हैं। तो ये कहानी है एकदम रियल। तो आपको भी अपना ये जुगाड़ और तरीका लगाना है, तो इस तरीके से आप जो है ले सकते हैं जो है अमेजोन पे, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर दोस्तों आप HDFC बैंक कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करके अच्छा खासा मेंटेनेंस आपको बैलेंस करना है, साथ ही साथ आपको अपना सिविल इतना जनरेट कर लेना है कि बैंक आपको विदाउट किसी इनकम प्रूफ का दे दे। अगर आपको ऑफर नहीं आ रहा है और थोड़ा आपका सिविल अगर अच्छा है तो वेबसाइट पे जाके आप सेम प्रोसेस करें, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे आप इंक्रीज करके आप वहाँ पे सिलेक्ट करें, आपका कार्ड मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ से कार्ड आपका डिक्लाइन नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, करीबन 2 से 3 साल का डिफरेंस है। जब मैंने कार्ड अप्लाई किया तो उस टाइम वेरिफिकेशन हुआ और इसके बाद पूछा गया कि ये सेम नहीं है। मैं अकाउंट ओपन करवाने गया तो वहाँ भी पूछा गया ये सेम नहीं है, आपका अकाउंट फ्यूज जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इसको बैंक मान्य नहीं करेगा, और मेरे सारे अकाउंट हैं। और क्रेडिट कार्ड की बात करूँ, जब वेरिफिकेशन में बताया कि हाँ ये मेरा जेन्युइन है, इसको मैं अपडेट करवा रहा हूँ, मेरा हो गया भाई, टाइम से हम पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी ये काम करना है, अगर आप SBI बैंक कार्ड अप्लाई करते हैं, चाहे किसी बैंक का कार्ड अप्लाई करते हैं, तो आपको ये काम अपना हमेशा जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप थोड़ा से इंक्रीज करके डालें। अब कुछ लोग के मन में ये सवाल आया कि मैचिंग नहीं करेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस भी होगा और आपको कार्ड ही मिलेगा। बट इसके साथ साथ ये प्रोसेस वही करें जिनका सिविल काफ़ी अच्छा हो। इनका सिविल अच्छा ना हो, ए ट्रिक ए जुआर ना अपनाएं। इसलिए ना अपनाएं कि हमेशा सिस्टम सिविल को ही पहले ट्रैक करेगा। देखो, मैं आपको बता दूं बैंक का जो सिस्टम है वो क्या देखता है, हमेशा आपके पहले सिविल पे वो फायरिंग करेगा, आपका सिविल कैसा है, आपका रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन फायरिंग करेगा, उसी बिहाफ पे आपको अप्रूवल लाके जो है सिस्टम देगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना, कभी आपको कार्ड डिक्लाइन आपको नहीं होगा। और कोशिश करके अगर आपका सिविल कम है तो किसी का वीडियो देख के आप बार बार ट्राई मत करना। आप देखो, थोड़ा से पेशेंस रखिए, शांति रखिए, आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, कार्ड आपको मिल जाएगा। आप इंतजार नहीं करेंगे, आपके मन में एक ही सवाल है, हम कार्ड अप्लाई करेंगे, अप्रूव करवाएंगे, लेंगे। अगर आप इस तरीके से अगर जबरदस्ती करेंगे तो लिमिट आपको कम मिल जाएगा। तो जितना हो सके आप बार बार ये लोन अप्लाई करना बंद कर दो।
आपके पास अगर एक दो लोन चल रहे हैं उसे चलने दो, धीरे धीरे आपकी सिविल जनरेट होगी, एक्सप्लेन और सिविल इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक आपको बैंक से ऑफर आएगा। यकीन मानिए, अगर आपको एक कार्ड मिल गया फिर बैंक से कॉल आना चालू हो जाएगा। एक काम कीजिए, आपको कार्ड जरूर मिलेगा और कोशिश करके आप HDFC बैंक में अकाउंट जरूर जरूर ओपन करें अगर आपको ऑफर लेना है, और जितना भी बैलेंस है उसमें आप मेंटेनेंस हाई करें, इससे आपको चांस रहेगा। और अगर आप गांव देहात से हैं तो गांव देहात से होना कोई गुनाह नहीं है, बट अपने आधार कार्ड को जरूर अपडेट करें। सिटी का करें इसलिए क्योंकि सिटी में जहाँ पे बैंक जो पिन कोड ब्लॉक रहता है वहाँ पे आ जाता है। तो आप जो है अपने दोस्त का भी एड्रेस डाल के आप कार्ड अप्रूव करवा सकते हैं। मेरे बता रहा हूँ कि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ऐसा प्रॉब्लम आया था कि कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड अप्लाई किया और उसका एरिया जो ब्लॉक था, बैंक वहाँ पे सर्विस नहीं था, उसने अपने दोस्त का एड्रेस डाल दिया तो वेरिफिकेशन हुआ और इसके एड्रेस को बैंक लेके और उसी एड्रेस पे कार्ड अप्रूव हो गया और डिलीवरी भी वहीं पे हुआ और कार्ड मिल भी गया। आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसा होता है। तो बैंक, देखो बैंक हमेशा आपका दो चीज़ देखता है, आपकी जो बैकग्राउंड प्रोफाइल है अच्छा होना चाहिए, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। हमेशा बैंक अधिकतर सिविल पे ही फायरिंग करता है, सिविल में सब कुछ रहता है। तो इतना ही आपसे कहेंगे, अपना रिकॉर्ड बनाओ, अपना व्यवहार अच्छा बना के रखो, आपको जरूर कार्ड मिलेगा। यकीन मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, जब आप ये बार बार रोज, अभी आपने देखा मेरे काफ़ी सारे वीडियो में, रोज रोज आप यही तरीका अपना लोगे, लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके अपना इंक्वायरी बढ़ा लोगे, तो कैसे आपको मिलेगा मुझे बताओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।